हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूनिट पढ़ रहे थे पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, और उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था अपना मेंडेलीय रोवे रिलेशन। अब हम उसी रिलेशंस पे, वो जो दो रिलेशन हमने डिस्कस किए थे उनके ऊपर एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो कौन सा है, एप्लीकेशंस ऑफ मेंडेलीय रोवे रिलेशंस। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे किसकी, अप कन्वर्टर की। सबसे पहले इसमें किसकी बात करेंगे अपन, अप कन्वर्टर की। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है, अप कन्वर्टर है। क्या होता है अप कन्वर्टर, किस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे और कैसे काम करेगा। वैसे अप कन्वर्टर के कई टॉपिक आएंगे इस यूनिट में हमारे पास, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अप कन्वर्टर के आप तीन या चार टॉपिक आगे भी पढ़ने वाले हैं इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या बनता है वो हम देखेंगे। इसमें आपको ये पूछ सकता है कि मेंडेलीय रोवे रिलेशन को यूज में लेते हुए अप कन्वर्टर के प्रिंसिपल को आप डिस्कस कीजिए या अप कन्वर्टर की प्रोसेस को आप बताइए। तो क्या हो जाएगा पहला क्वेश्चन, कंसीडरिंग द केस ऑफ अप कन्वर्टर, द केस ऑफ अप कन्वर्टर, considering the case of an up converter, explain the use of Mendeley-Rowe relations for parametric amplifier। तो पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये बनता है कि आपको अप कन्वर्टर के केस को मानते हुए मेंडेलीय रोवे रिलेशन को इस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर पे आपको अप्लाई करके बताना है। यही क्वेश्चन दूसरे वे में इस तरीके से भी पूछ सकता है आपको। तो क्या आप क्वेश्चन पूछेगा, ये सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, यूजिंग मेंडेलीय रोवे रिलेशंस एक्सप्लेन या डिस्कस भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अप कन्वर्टर, प्रिंसिपल ऑफ अप कन्वर्टर। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल सकता है, इसमें प्रूफ भी पूछ सकता है, जो फाइनल आप पावर गेन निकालेंगे उसका प्रूफ भी पूछ सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है, यूजिंग मेंडेलीय रोवे रिलेशंस शो दैट द मैक्सिमम गेन ऑफ अप कन्वर्टर इज गिवन बाय 1 प्लस ओमेगा पी ओवर ओमेगा एस। इससे अगर दी जाती है क्या, इसकी गेन बताई जाती है आपको बताना। तो तीन क्वेश्चन आपके पास इसमें बनते हैं, तीन क्वेश्चन आने लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, यूजिंग मेंडेलीय रोवे रिलेशन शो दैट द मैक्सिमम गेन ऑफ अप कन्वर्टर इज गिवन बाय 1 प्लस ओमेगा पी ओवर ओमेगा एस। इसकी जगह यहां पे ये भी आ सकता है, यहां पे इसी क्वेश्चन में इसकी जगह ये भी लिख सकता है 1 प्लस एफ टू ओवर एफ वन, या फिर ये भी मिल सकता है 1 प्लस एफ पी ओवर एफ एस। क्यों मिलेगा वो सारे रीजन मैं आपको क्लियरिफाई करूंगा आगे। तो ये भी मिल सकता है इसकी जगह प्रूफ। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इससे, इन क्वेश्चन से आप पहचान जाएंगे कि आपको मेंडेलीय रोवे रिलेशन का एप्लीकेशन पूछ रहा है अप कन्वर्टर का, ठीक है। अदरवाइज अप कन्वर्टर के आगे और भी टॉपिक आप डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो क्वेश्चन हो गए, अब हम बात करते हैं ये किस तरीके से आप इसको डिस्कस करेंगे, क्या इसकी प्रोसेस होगी, चलिए उस पे आते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन सभी क्वेश्चंस का एक ही है, बस इनके फॉर्मेट क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्म दे दिए गए हैं आपको, और उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, अप कन्वर्टर की अपन बात कर रहे हैं, अप कन्वर्टर की बात कर रहे हैं हम। और अप कन्वर्टर में देखिए मेंडेलीय रोवे रिलेशन को यूज में लेते हुए हम इसकी पावर गेन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं अपन क्या करेंगे, द मेंडेलीय रोवे रिलेशन, मेंडेलीय रोवे रिलेशंस आर
यूजफुल इन प्रिडक्टिंग, प्रिडिक्ट करेंगे अपन इससे द पावर गेन। क्या निकालेंगे इससे आप? पावर गेन निकालेंगे, ये ध्यान रखना, पावर गेन ऑफ ए पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। तो ये अप कन्वर्टर आपका एक प्रकार का पैरामेट्रिक एम्पलीफायर ही है, जिसमें अपन मैन ने लोअर रिलेशन को यूज में लेते हुए इसकी क्या निकालेंगे? पावर गेन। अब मैं इसका जो डायग्राम बना रहा हूं उससे आपको समझ में आएगा कि ये अप कन्वर्टर क्यों है और इससे नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो डाउन कन्वर्टर क्यों है। दोनों यहीं से आपको क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए मैं डायग्राम की बात करता हूं, ये आपने, ये है सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफ वन, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये आपने सिग्नल दिया है वी एस, ठीक है। ये आपके पास पंप फ्रीक्वेंसी है एफ टू, ये इसका रेजिस्टेंस आर, ये आपका पंप सिग्नल है वी पी, ठीक है। ये आपने यहां पे क्या लगा दिया? नॉन लीनियर कैपेसिटेंस सी टी जो आप लगाते हो ये लगा दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद सी टी से जैसे ही पास थ्रू होते हैं तो क्या मिलते हैं आपको? हार्मोनिक्स मिलते हैं, और जैसे पहला आपको मिलता है क्या मिलता है? एफ वन प्लस एफ टू रेजिस्टेंस। अगर आपके पास सीटी से पास होने के बाद सिर्फ पावर इस एफ वन प्लस एफ टू वाले हार्मोनिक्स पे मिलती हो, बाकी आगे के जितने भी थे एफ वन माइनस एफ टू या एफ वन प्लस टू एफ टू, टू एफ वन प्लस एफ टू, जितने भी सारे थे एम एन वाले जितने भी थे, उन सभी को आप क्या कर रहे हैं? आगे वाले सभी क्या हो गए? ओपन सर्किट में हो गए, मतलब काम में नहीं ले रहे हैं अपन उनको, सिर्फ इतना ही यूज में ले रहे हैं। इस एफ वन प्लस एफ टू को मैंने नया नाम दे दिया, एफ वन प्लस एफ टू किसके बराबर मान लिया? एफ थ्री के। अब देखिए आपने फ्रीक्वेंसी दी थी एफ वन और एफ टू की, दो फ्रीक्वेंसी थी आपको, ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है इसलिए एफ वन को एफ एस भी बोल सकते हैं, एफ टू को पंप फ्रीक्वेंसी इसको एफ पी भी बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में इसको ओमेगा एस बोलेंगे और इसको ओमेगा पी भी बोलेंगे। तो ये कंफ्यूज होने वाली बातें सारे यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए। तो आपके पास इस डायग्राम को देखते हुए आप पता लगा सकते हैं कि करंट जो फ्लो होगा वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी से फ्लो होगा। एक तो एफ वन से होगा, एक एफ टू से होगा, एक एफ वन प्लस एफ टू से होगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं होगा, सारे के सारों को अपने केस में माना है ओपन सर्किट में। तो देखिए फ्रीक्वेंसी एफ वन प्लस एफ टू हाई हो रही है, अप हो रही है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं? अप कन्वर्टर बोलते हैं। क्लियर हो गई आपके पास ये बात? ये हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अप कन्वर्टर में क्या होगा? अब बात करें अगर आगे आप डाउन कन्वर्टर की बात करें तो यहां पे क्या लेंगे? एफ वन माइनस एफ टू, बाकी के जितने भी हार्मोनिक्स है सबको क्या कर देंगे? ओपन सर्किट में कर देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। ये हो गई इसकी बात, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा। लेट मैं लिख देता हूं क्या क्या लिया है अपन ने इसमें। लेट्स कंसिडर दैट, कंसिडर दैट पावर आउटपुट फ्लो, पावर आउटपुट फ्लो इज अलाउड, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी से पावर आउटपुट फ्लो अलाउड है एट फ्रीक्वेंसी? एक तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी जिसको आपने क्या नाम दिया है? F1, एक पंप फ्रीक्वेंसी जिसको आपने नाम दिया है F2, एंड F1 प्लस F2, इन तीन से ही अलाउड है, बाकी जितने भी हैं ऑल अदर हार्मोनिक्स आर इन ओपन सर्किट, मतलब बाकी आगे वालों को आप ओपन रख रहे हैं, उनको यूज में नहीं ले रहे हैं। तो कहां पे है आपके पास फ्रीक्वेंसी F1, F2 और F1 प्लस F2 पे ही आपके पास क्या हो रहा है? जो पावर आउटपुट आपको मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया, देन करंट एग्जिस्ट्स ओनली एट फ्रीक्वेंसी F1, F2 एंड F1 प्लस F2, इन तीन पे ही आपका करंट एग्जिस्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, अब देखिए अपन इसमें आगे एक डायग्राम को जब हमने आगे बढ़ाया था इस तरीके से, तो एक टर्म आया था एम एफ वन प्लस माइनस एन एफ टू,
ये लिखा था ना आगे तक बढ़ा के अपन ने इसको। अब m और n की वैल्यू इस वाले डायग्राम के लिए देखनी है। देखिए यहां पे जब f1 सिर्फ f1 है तो मतलब f1 का टर्म है इसका नहीं है, तो m की वैल्यू यहां पे क्या है 1, m की वैल्यू देखना। इसमें बात करें यहां पे सिर्फ m2 है तो m की वैल्यू यहां पे 1 है, n की 0 है, f1 वाले में n की वैल्यू 0 है। यहां पे देखो सिर्फ f2 है मतलब n की वैल्यू 1 है, f2 है तो n की जगह 1, f1 0 है तो यहां पे 0 1। यहां पे देखो m भी 1 है और n भी 1 है, तो कहने का मतलब m और n की वैल्यू क्या है 0 और 1 है और 1 और 1 है। कहने का मतलब 0 और 1 में से कुछ हो सकती है, तो देखिए वही मैं लिख रहा हूं यहां पे m और n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी। अंडर दिस कंडीशन m एंड n वेरी फ्रॉम 0 टू 1, तो देखिए m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी देखो आपको साफ साफ इस टेबल से पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी ये इधर m, इधर n और ये यहां पे पावर p, जिसको आप p m n लिखते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सिर्फ f1 फ्रीक्वेंसी से करंट फ्लो हो या सिर्फ f2 से हो या f1 प्लस f2 से हो, तो देखिए क्या कैसे लिखा जाता है m f1 प्लस माइनस n f2, प्लस मान के चलो आप, तो मैं इधर लिख देता हूं क्या होता है m f1 प्लस n f2। सिर्फ f1 फ्रीक्वेंसी हो तो n की वैल्यू कितनी हो गई 0, m की वैल्यू कितनी हो गई 1, पी एम एन क्या लिखा जाएगा पी एम की जगह 1, n की जगह 0, तो पी वन 0 लिखा जाएगा, इसको आपने पी वन मान लिया। ओके f2 देखो सिर्फ f2 हो तो n की वैल्यू 1, m की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये क्या लिखा जाएगा p01, इसको आपने p2 मान लिया। f1 plus f2, m भी 1 आएगा n भी 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा p11, इसको आपने क्या मान लिया p3। ये तो पता चल गया आपके पास फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है और पावर कौन कौन सी है, तो सारों आपके पास सिंबल पता चल गए। अब हम लगाते हैं मेल्ले रोवे रिलेशन, क्योंकि हमें तो उनकी हेल्प चाहिए, तो देखिए उसको यूज में लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेल्ले रोवे रिलेशन के दोनों रिलेशन यूज में लेने, तो सबसे पहला रिलेशन क्या है यूजिंग फर्स्ट मेल्ले रोवे रिलेशन, क्या था भाई पहला रिलेशन आपके पास, पहला रिलेशन आपको यूज में लेना है क्या था देखना, m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, m पी एम एन ओवर एम एफ वन प्लस एन एफ टू इक्वल टू 0, ये था। यहां पे m की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यहां पे n होता तो n की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती, तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, तो इसमें वैल्यू रख रहा हूं मैं m की, जितनी भी वैल्यू है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, n का यहां पे टर्म नहीं है मल्टीप्लाई में, तो आपको उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। तो m की वैल्यू देखो 1, पहले वाले पहले इसको रखो, तो इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा m की जगह 1 रखा, 1 इंटू पी एम, 1 वाले के लिए पी एम एन की वैल्यू कितनी है पी वन 0 अपॉन में 1 इंटू एफ वन, एम की वैल्यू रखती है एफ एन एज इट इज, प्लस एन की वैल्यू क्या है इस वाली लाइन के लिए 0 इंटू एफ टू, प्लस अब दूसरी लाइन पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इसमें देखो m की वैल्यू कितनी है 0 इंटू पी एम एन की वैल्यू कितनी है पी 0 1 अपॉन में m की वैल्यू 0 इंटू एफ वन, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एफ टू, प्लस आगे बढ़ जाओ तीसरी लाइन में आ जाओ, m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू पी वन वन, पी एम एन की वैल्यू कितनी है पी वन वन अपॉन में m की वैल्यू 1 इंटू एफ वन प्लस n की वैल्यू भी ये इक्वल टू 0, ठीक है आ गया इतना आपके पास। ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये कितना बचा पी वन 0 अपॉन एफ वन प्लस पी वन 1 ओवर एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 0। पी वन 0 को हमने माना था पी वन, तो ये हो गया पी वन ओवर एफ वन प्लस पी वन 1 को माना था पी थ्री, और एफ वन प्लस एफ टू को हमने क्या माना था एफ थ्री माना था, तो इसको अपॉन में
F3 इक्वल टू जीरो, इतनी बात तो हो गई। इक्वेशन नंबर वन दे दिया मैंने इसको, पहले रिलेशन से अपने पास ये आउटपुट आ गया पावर का। अब हम यूज में लेते हैं यूजिंग सेकंड मेहलेरोवे रिलेशन। सेकंड में क्या था, एम की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और एम की कितनी हो गई जीरो से, और यहां पे क्या गया था एन, तो वो रख दीजिए। चलिए वो पुट करते हैं, पहली लाइन पे आ जाओ, एन की वैल्यू कितनी है जीरो इंटू पी एम एन, मतलब पी वन जीरो अपॉन में एम एफ वन, एम की वैल्यू वन इंटू एफ वन प्लस जीरो इंटू एफ टू प्लस। दूसरे में आ जाओ, एन की वैल्यू कितनी है वन, तो वन इंटू पी जीरो वन अपॉन में एम की वैल्यू जीरो इंटू एफ वन प्लस वन इंटू एफ टू, वैल्यू रख रहा हूं बस कुछ नहीं कर रहा। थर्ड लाइन पे आ जाओ, एन की वैल्यू वन है, वन इंटू पी वन वन ओवर एफ वन प्लस एफ टू आ जाएगा आपके पास ये जीरो। चलिए इसको लिखे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा तो जीरो हो गया, क्या आ गया आपके पास पी जीरो वन ओवर एफ टू प्लस पी वन वन ओवर एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू जीरो। पी जीरो वन को क्या माना है आपने, पी टू, तो मैं इसको आगे यहीं लिख देता हूं पी टू ओवर एफ टू, प्लस पी वन वन को माना है पी थ्री ओवर एफ थ्री इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर टू, आपके पास मेहलेरोवे रिलेशन से ये दो रिलेशन आपके पास आ चुके हैं, मेहलेरोवे रिलेशन को यूज में लेते हैं। अब इनको यूज में लेते हुए हम पावर गेन निकालेंगे। पावर गेन क्या होती है, अभी उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। पावर गेन क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। आउटपुट कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा है, एफ वन प्लस एफ टू पे। इनपुट या सिग्नल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, एफ वन। तो हम यहां से पावर गेन निकालेंगे, तो द पावर गेन इज, जो इक्वेशन है वो रख लेता हूं, बाकी काम के नहीं कुछ देर में, ये दो इक्वेशन काम के हैं बस। द पावर गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो पावर डिलीवर करता है उसका रेशियो, और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, एट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट किस पे मिल रही है, एफ वन प्लस एफ टू, ये तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो गई। टू दैट, और वही पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द कैपेसिटर एट फ्रीक्वेंसी F1। क्या कह रहा है, देखिए पावर गेन क्या होगा, रेशियो होगा पावर का, कौन सी पावर का, कैपेसिटर द्वारा इस फ्रीक्वेंसी पे जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, और कैपेसिटर द्वारा जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी F1 पे जो अब्सॉर्ब की जा रही है उसका रेशियो। तो कहने का मतलब G जो है वो क्या होगा, आउटपुट पावर P3, फ्रीक्वेंसी F1 प्लस F2 पे पावर मिल रही है आपको P3, और इनपुट पावर कितनी है P1, माइनस लगेगा यहां पे साइन, ठीक है। वैसे मोड भी लगाते हैं कई बार, तो वो कोई दिक्कत है, नहीं है यहां पे, ठीक है। अब यहां से देखो, इस वाले इक्वेशन को यूज में लो, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो यहां से देखो P1 ओवर F1 इक्वल टू माइनस P3 ओवर F3। तो देखिए आपको चाहिए माइनस P3 ओवर P1, यहां से इसको इधर भेज दिया तो क्या गया F3 ओवर F1, तो यहां से P3 और P1 की वैल्यू आ गई, तो G क्या हो जाएगा पावर गेन आपके पास, G आपके पास हो जाएगा माइनस P3 और P1 की वैल्यू कितनी है F3 ओवर F1। F3 किसको माना था आपने, F1 प्लस F2 को, इसी को तो F3 लिखा था हमने, अपॉन में F1। तो G क्या आ गया आपके पास, F1 में डिवाइड किया 1 प्लस F2 ओवर F1। F2 क्या था, मैंने बताया था पंप सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, जिसको आप FP भी लिख सकते हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ओमेगा P भी लिख सकते हो। F1 क्या था, सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तो जिसको आप FS भी लिख सकते हो या ओमेगा S। तो देखिए G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा G इक्वल टू 1 प्लस 2 पाई F2। 2 पाई F2 मतलब 2 पाई F होता है ओमेगा, और F2 कौन सी फ्रीक्वेंसी थी आपके पास,
एफपी पंप फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा कौन सा होगा, 1 प्लस ओमेगा पी, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एस। यही आपको प्रूव भी करना था। तो आपके पास जो जी है वो कितना आ गया, 1 प्लस ओमेगा पी ओवर ओमेगा एस भी लिख सकते हैं, या 1 प्लस एफ पी ओवर एफ एस भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हुई, देखिए गेन है वो 1 से बढ़ के आ रही है आपके पास। तो कहने का मतलब यहां पे किसकी तरह काम करता है, अप कन्वर्टर की तरह काम करता है। दिस एम्पलीफायर इज एक्ट लाइक अप कन्वर्टर। तो ये आपके पास किसकी तरह काम करता है, अप कन्वर्टर। ये तो हो गई बात किसकी, अप कन्वर्टर की। पहला एप्लीकेशन क्या होगा, अप कन्वर्टर किस तरीके से यूज में लिया है, ये होगा। सिमिलर वे में डाउन कन्वर्टर होगा तो मैं उसकी बात करता हूं। सिमिलरली डाउन कन्वर्टर पे हम काम करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक फ्रीक्वेंसी को प्लस की जगह माइनस होगा, उसमें जो आपका हार्मोनिक है वो माइनस होते जाएंगे, तो उस पर बात करते हैं। तो सेकेंड जो एप्लीकेशन है इसका क्या है, डाउन कन्वर्टर। डाउन कन्वर्टर क्वेश्चन वही होंगे, कंसिडरिंग द केस ऑफ डाउन कन्वर्टर, एक्सप्लेन द यूज ऑफ मैलेरोवे रिलेशन, या सीधा ये पूछ सकता है यूजिंग मैलेरोवे रिलेशन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डाउन कन्वर्टर, या वो प्रूफ पूछ सकता है जो मैं लास्ट में निकालने वाला हूं। तो मैलेरोवे रिलेशन का जिक्र होगा, कहने का मतलब है, तो आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं उसको यूज में लेते हुए ये भी किस तरीके से काम करेगा, तो मैं डायरेक्ट डायग्राम पे आता हूं यहां पे। तो ये मैंने डायग्राम बनाया, ये आपका सिग्नल फ्रीक्वेंसी F1 है, ये रेजिस्टेंस R है, ये इसका सिग्नल है Vs, इसको Fs भी बोल सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। ये आपका फ्रीक्वेंसी F2 है जो पंप फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, ये रेजिस्टेंस R है, ये पंप सिग्नल Vp है। आपने इसको नॉन लीनियर कैपेसिटर से पास कराया, कैपेसिटेंस से पास कराया, तो पावर आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा। वो पावर आउटपुट अप कन्वर्टर में हम कर रहे थे एफ वन प्लस एफ टू, पावर कहां पे मिल रहा था, फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक प्लस होने पे मिल रहा था, तो अप कन्वर्टर बोला जा रहा था। यहां पे क्या होगा, एफ वन माइनस एफ टू होगा, तो ये डाउन कन्वर्टर बोला जाएगा। कहने का मतलब आउटपुट पावर किस पे मिलेगी आपको, F1 माइनस F2 पे मिलेगी, F1 पे और F2 पे। तो पावर जो है या करंट वो फ्लो कहां कहां होगा, F1 फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है, F2 पे और F1 माइनस F2 पे। तो वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे, तो मैं लिख देता हूं, लेट्स कंसीडर पावर आउटपुट फ्लो इज अलाउड एट फ्रीक्वेंसी, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होंगी, पावर आउटपुट फ्लो तो आपको मिलेगा F1 प्लस F2 पे, बाकी पे करंट किस किस में फ्लो होगा, F1 और F2, उसमें भी यही था F1 प्लस F2 था, सॉरी F1 माइनस F2 हो जाएगा यहाँ पे, वहां पे था F1 प्लस F2, ठीक है। पावर आउटपुट फ्लो में शायद मैंने हो सकता है F1 और F2 का भी जिक्र कर दिया हो, पावर सिर्फ इस पे आउटपुट पे मिलेगी F1 माइनस F2 पे, इन पे आप इनपुट दे रहे हैं F1 और F2 पे, ठीक है। एंड All other harmonics are open circuit. तो पावर आउटपुट सिर्फ इस पे मिल रहा है, इसके आगे F1 प्लस F2 हो, F1 माइनस 2F1, जो 2F2 कुछ भी है आगे, जितने भी सबको आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं, यहां तक लेना देना है आपको। देन करंट किस किस से किस में एग्जिस्ट करेगा, करंट एग्जिस्ट ओनली एट फ्रीक्वेंसी, तो करंट F1 पे होगा, F2 पे होगा और F1 माइनस F2 पे, इन पे होगा, F2 माइनस F1 भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये तीन फ्रीक्वेंसी पे तो करंट फ्लो होगा, और यहां पे इस पे आपको पावर आउटपुट मिलेगा किसमें, डाउन कन्वर्टर में। अपन वही करते हैं, टेबल बनाते हैं इस बार भी, और उस टेबल का से मैलेरोवे रिलेशन को डिस्कस करते हैं। तो टेबल में देखिए इस बार M और N की वैल्यू किस तरीके से चेंज होंगी, फ्रीक्वेंसी M N और PML, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है आपके पास, F1 F2 और
F1 माइनस F2, इसको F3 बोल दूं मैं फिर से, वहां पे F3 प्लस वाले को बोल रहे थे, यहाँ पे माइनस वाले को F3 बोल दिया मैंने, हमने नाम दिया है, जरूरी नहीं है आप बोलो ही, ठीक है ना। तो F1, सिर्फ F1 की बात करें तो ये ध्यान रखे एम F1 प्लस NF2 होता है, F1 है मतलब N की वैल्यू 0, M की वैल्यू 1, तो P1 0, इसको आपने P1 मान लिया, ठीक है। F2 है मतलब M की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो P01, इसको आपने P2 मान लिया। F1 माइनस F2 है तो F1 की वैल्यू 1 और माइनस F2 है तो इसकी वैल्यू -1, F2 की N की वैल्यू कितनी है -1, तो P1 -1, इसको आपने P3 मान लिया, ये आपने टेबल बना ली। अब इस टेबल में क्या करेंगे आप, मेंडेलोवे रिलेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए यूजिंग फर्स्ट मेंडेलोवे रिलेशन, क्या था भाई रिलेशन अपने पास, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, m pmn ओवर mf1 प्लस nf2 इक्वल टू 0, ये अपना पहला रिलेशन था। वैल्यू रखो m की वैल्यू, पहले पहली लाइन पे आ जाओ इस वाले पे, देखिए m की वैल्यू 1 इंटू pmn कितना है इस वाले के लिए p1 0, अपॉन में m की वैल्यू 1 तो f1, m की वैल्यू 0 तो 0 इंटू f2 प्लस, दूसरी लाइन में आ जाओ m की वैल्यू कितनी है 0 इंटू p01 ओवर 0 इंटू f1 प्लस f2, तीसरी लाइन में आ जाओ m की वैल्यू 1 तो 1 इंटू p11 अपॉन में 1 इंटू f1 और -1 है इस बार, m की वैल्यू कितनी है -1 तो प्लस -1 इंटू f2 इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये बचा p1 0 ओवर f1, वो क्या बचा माइनस है, तो ये प्लस p11 f1 माइनस f2 इक्वल टू 0। p1 0 को आपने क्या माना है p1, और f1 एज इट इज, p11 को क्या माना है आपने p1 -1, क्योंकि यहां पे भी n की वैल्यू -1 है ना, तो p1 -1 को आपने माना है p3, और f1 माइनस f2 को आपने माना है f3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया पहले रिलेशन से। सिमिलरली आप सेकंड मेंडेलोवे रिलेशन यूज में ले लें, सेकंड लेंगे तो यहां पे ये तो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से, ये हो जाएगा 0 से, यहां पे आ जाएगा n, तो वैल्यू रखेंगे आप, चलिए वैल्यू रखें सबसे पहले n की वैल्यू, पहली लाइन में आ जाओ n की वैल्यू कितनी है 0, तो पहला टर्म तो 0, तो 0 इंटू p1 0 और अपॉन में जो भी आए सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी प्लस, दूसरी लाइन में आ जाओ m की वैल्यू 0 है, n से मतलब नहीं है, n की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू p01 अपॉन में mf1 तो 0 इंटू f1 प्लस 1 इंटू f2 ये हो गया। आगे बढ़े n की वैल्यू कितनी है -1, तो ये लीजिए -1 इंटू p1 -1 अपॉन में f1 माइनस f2 इक्वल टू 0, यहां से क्या आ गया देखिए, ये हो गया p01 ओवर f2 माइनस p1 -1 ओवर f1 माइनस f2 इक्वल टू 0। इसको आगे p01 को क्या लिखे हम, p01 को p2 अपॉन में f2 माइनस p1 -1 को p3 अपॉन में f3 इक्वल टू 0। ओके ये अपने पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये हो गई अपने पास दोनों को रिलेशन को यूज में लेने की बात। अब हम बात करें पावर गेन की, पावर गेन का वही आपके पास डेफिनेशन, तो पावर गेन क्या हो जाएगी, द पावर गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय कैपेसिटर, पावर डिलीवर्ड बाय द कैपेसिटर, कैपेसिटर किस फ्रीक्वेंसी पे डिलीवर करता है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ पावर किस पे डिलीवर करता है f1 माइनस f2, ठीक है, यहां इस पे डिलीवर करता है फ्रीक्वेंसी पे टू दैट
ऑफ दैट अब्सॉर्ब्ड बाई कैपेसिटर एट फ्रीक्वेंसी एफ वन। तो क्या हो जाएगा पावर गेन जी इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से आप साइन की बात करेंगे, जी इक्वल टू डिलीवर कितने पे होती है पी थ्री पे और गेन कितने पे होती है पी वन पे। तो आपके पास पावर क्या आ जाएगी, आपके पास पी थ्री ओवर पावर गेन क्या आ जाएगा, पी थ्री ओवर पी वन आ जाएगा। ठीक है, यहां से पी थ्री ओवर पी वन आपके पास पावर आ गया, तो पी थ्री ओवर पी वन निकाल लो यहां से कहीं से। चलिए कहां से निकलेगा पी थ्री ओवर पी वन, ये देखिए ये रहा। तो सबसे पहले इक्वेशन वन को यूज में लेते हैं और हम यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए वैल्यू निकालने की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो P1 ओवर F1 प्लस P3 ओवर F3 इक्वल टू जीरो। तो क्या आ जाएगा, यहां से इसको उधर भेज दो तो P1 ओवर F1 इक्वल टू माइनस P3 ओवर F3। तो यहां से P3 ओवर P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस F1 ओवर F3, सॉरी F3 ओवर F1, और माइनस का साइन इधर भेज दिया। तो आपके पास पावर क्या आ गई, माइनस सॉरी F3 ओवर F1 आ गया। इसको वैल्यू रख दीजिए और आगे आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, देखिए वैल्यू रखे हम यहां से F3 ओवर F1 आए, यहां पे भी माइनस, तो G क्या आ जाएगा, माइनस P3 और P1 की वैल्यू रखो F3 ओवर F1। F3 किसकी वैल्यू थी, F1 माइनस F2। तो आपके पास G क्या आ गया, F1 का डिवाइड किया 1 माइनस F2 ओवर F1, आपको पता है 1 माइनस F2 किसकी वैल्यू थी, ओमेगा P, FP भी बोल सकते हैं इसको, FP ओवर FS, क्योंकि F2 पंप फ्रीक्वेंसी है, F1 कौन सी है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो G इक्वल टू 1 माइनस 2 पाई से ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास G की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस ओमेगा P ओवर ओमेगा S भी आ सकती है आपके पास जी की वैल्यू। तो ये आपके पास पावर गेन आ गया कि इसके लिए, डाउन कन्वर्टर के लिए। डाउन कन्वर्टर में देखो गेन है वो वन से कम हो रही है और उसमें अप कन्वर्टर में जो पावर गेन है वो बढ़ के आ रही थी, मतलब आउटपुट पावर है वो इनपुट की तुलना में ज्यादा आ रही थी, और यहाँ पे जो आउटपुट पावर है वो इनपुट की तुलना में कम आ रही है, इसलिए इसको डाउन कन्वर्टर बोलते हैं और उसको अप कन्वर्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम जो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर है, जो अप कन्वर्टर है, जो डाउन कन्वर्टर है, उनके प्रिंसिपल को, मेंडेलेरोवे रिलेशन को यूज में लेते हुए डिस्कस कर सकते हैं, उनकी पावर गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट।